हेलो एवरी वन वेलकम टू तथास्तु आई सी एस माई नेम इबू एंड अभी हम करने वाले हैं डेली न्यूज एनालिस कौन से दिन का तेईस जून का ठीक है सो आज का आज अपलोड हो जाएगा सो डोंट वरी अबाउट इट सो दिस इज बींग प्रेजेंटेड बाई मी खुशबू आई होप दैट कि आप लोगों ने कल की एनालिसिस भी जरूर देख ली होगी थोड़ा सा लेट हो गया था उसको अपलोडिंग करने में राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो द वेरी फर्स्ट वन हम जो सबसे पहले जो टॉपिक ले रहे हैं इट इज रिलेटेड टू दिस मोन्यूमेंट ओके सो सेंटर ग्रांड्स अप्रूवल फॉर कलाई फॉर कलाइगनर पेन मोन्यूमेंट इन बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बेंगाल में ये जो पेन का मोन्यूमेंट है इसको बेसिकली बनाने के लिए अप्रूवल uh, दे दिया गया है सो so इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं एक आध आपको बता दूँ इसमें लिखा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इन्होंने कोस्टल रेगुलेशन जोन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये एक्चुअली है क्या सी है क्या राइट सो कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस जो है वो दे दिया है कौन सी गवर्नमेंट को तमिलनाडु गवर्नमेंट को एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ही बेसिकली इसको जो है टॉक्ट बनाने के लिए अप्रूवल मांगा था कि आप जो है अप्रूवल दे दीजिए क्लियरेंस दे दीजिए सो दैट वी कैन बिल्ड दिस अप इन वे ऑफ बंगाल इन बे ऑफ बेंगोल ऑफ द मरीना बीच इन चेन्नई, बट विथ फिफ्टीन कंडीशन पंद्रह कंडीशन दिए और उन्होंने ये कहा है कि अगर उन कंडीशन को आप फुलफिल नहीं करते हैं अगर आप उसके अकॉर्डिंग जो है ये आ, काम नहीं करते हैं बिल नहीं करते हैं तो कभी भी किसी टाइम ये क्लियरेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ जाएगी राइट सो so यहाँ पर कंडीशंस जो है वो बेसिकली यहाँ पर दे दी कंडीशनल uh, क्लियरेंस एक तरीके से आप कह सकते हैं वो यहाँ पर दे दिया गया है ओके सो व्हाट वी विल बी डूइंग हमारा मेन फोकस क्या हो जाएगा ठीक है ये तो है तमिलनाडु में ये बिल्डअप हो रहा है ओके okay, पर्सपेक्टिव से हो गया कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या है हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानेंगे कुछ ज्यादा ही डिटेल में बेसिकली हम इस चीज के बारे में यहां पर पढ़ेंगे ओके okay? चलो सो लेस स्टार्ट विद चलिए तो यहां पे ये जो है नाइनटीन में ये जो मिनिस्ट्री है एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्होंने डिक्लेयर किया कोस्टल एरियाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स अप टू 500 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन एंड द लैंड बिटवीन द लो टाइड लाइन एंड द हाई टाइड लाइन एज कोस्टल रेगुलेशन जोन्स इन्होंने कहा कि भैया जो हाई टाइड लाइन वाला एरिया है एंड लो टाइड लाइन वाला जो एरिया है इसके बीच के एरिया को इसके बीच के जो एरिया रहेगा इसको उसको हम नाम क्या दे, दे देंगे वो है कोस्टल रेगुलेशन जोन आ जाएगा तो इसमें आपको समझना जरूर हो ज, जरूरी हो जाएगा कि ये लो है? है? तो वो जानेंगे तो हाई टाइड लाइन क्या है का मतलब है लाइन ऑन द लैंड अप टू विच द हाइएस्ट वॉटर लाइन रीचेज ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइड टाइड के टाइम में स्प्रिंग टाइड के टाइम टाइम पीरियड में जो वाटर रीच है हाईएस्ट वाटर लाइन जिस एरिया तक पहुंच जाता है ठीक है वो क्या हो जाएगा हाई टाइड लाइन हो जाएगा लो टाइड लाइन होगा सिमिलर मतलब इसी के ही जैसा ये चीज़ है लेकिन यहाँ पे लोएस्ट लोएस्ट वाटर लाइन रीच इज ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइड स्प्रिंग टाइड के टाइम ड्यूरेशन मतलब उस ड्यूरेशन में जो वाटर की रीच है वो लोवेस्ट कहाँ तक रहती है ठीक है कि वो लोएस्ट कहां तक रहती है वो जो लाइन होगी दैट विल बी द लो लो टाइड लाइन ठीक है अब यहां पर हमने देखा कि भैया स्प्रिंग 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 टाइड 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 व्हाट द मैम पहले ये तो बताओ तो स्प्रिंग टाइड क्या है द पोजिशन ऑफ बोथ द सन एंड द मून इन रिलेशन टू द अर्थ है बात है हर किसी को ये चीज पता है कि टाइड किस कि हिसाब की होगी टाइड बेसिकली क्या है कि आ, जो समुद्र का पानी है वो एक टाइम पीरियड में कभी ऊंचा ज्यादा हो जाता है फिर उसके बाद कभी एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब वो कम हो जाता है यूजुअली जितना होता है यूजुअली ये हाइट है ठीक है सपोज पानी की समुद्र की तो वो कभी इंक्रीज हो जाती है और कभी डिक्रीज हो जाता है राइट सो दिस इज व्हाट इज द टाइड ठीक है और ये टाइड बेसिकली क्यों होता है सन और मून की वजह से होता है जब सन मून और जो अर्थ है वो एक लाइन में होते हैं वेन द सन मून एंड अर्थ आर इन लाइन सन, मून और अर्थ जो है एक लाइन में रहेंगे जब तो उस टाइम पीरियड में अर्थ पे जो पानी है जो समुद्र है वो वो उसके वॉटर क्या हो जाएगा टाइड ज्यादा आ जाएगी उस वक्त मतलब जो पानी है वो जो टाइड का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है इस पर्टिकुलर टाइम में तो टाइड हाई हो जाएगा ठीक है काफी ज्यादा हाई रहती है ये दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट नाउ दिज आर कॉल्ड एज स्प्रिंग टाइड्स एंड दे कैन अकर ट्वाइस अ मंथ एक महीने में कितनी बार आ सकते हैं दो बार आ सकते हैं इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को स्प्रिंग टाइड कहते हैं दो बार आएगा वन ऑन द फुल मून और दूसरा कब आएगा ड्यूरिंग द न्यू मून ओके एक होगा जब फुल मून का सिचुएशन है दूसरा होगा जब न्यू मून का सिचुएशन है मून यहाँ पे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है so सो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये सारी चीजें जो है यहां पर हो रही है सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया हाई टाइड लाइन लो टाइड लाइन एंड ये स्प्रिंग टाइड्स जो है वो बेसिकली क्या होती है ओके okay. राइट right. तो आप यहां पे देख सकते हैं हाई टाइड लाइन एंड लो टाइड लाइन का जो लाइन है वो बेसिकली यहां पर बताया हुआ है कि हाई टाइड लाइन जो है वो कहां तक टाइड बेसिकली चली जाती है और कहा तक जो लोएस्ट टाइड रहता है दिस इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट आप जो है इसको प्रिंट निकलवा लीजिएगा ये थोड़ा सा वो हो गया है मैंने इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया तो दिस इज नॉट लुकिंग दैट पर्टिकुलर गुड बट अपने नोटबुक में या फिर कहीं पे भी इसको ड्रॉ करोगे बनाओगे या फिर प्रिंट निकालोगे तो थोड़ा साइज जो है कंसाइज रखिएगा यहाँ पर ठीक है दिस इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये पूरा का पूरा सी टाइड वाला जो सिस्टम है ये पूरा समझने के लिए ठीक है राइट right. तो हमने यहाँ पे देखा जो मिनिस्ट्री है ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उन्होंने डिक्लेयर किया कि कोस्टल एरिया जहां पर की टाइड टाइड का असर होता है अप टू दैट ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन एंड दैट ऑफ द लो टाइड लाइन द हाई टाइड लाइन एंड लो टाइड लाइन के बिटवीन जो इस प्रकार की सिचुएशन होती है हाई टाइड लाइन एज दैट ऑफ द कोस्टल रेगुलेशन जोन नाउ द अनदर पॉइंट इज दैट द डिकलेन ऑफ कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन्स फॉल्स अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. सो कोस्टल जो जोन्स होती हैं ये जो सी इसको शॉर्टकट में बेसिकली वही सी कहते हैं तो ये जो सी ये जो बेसिकली जोन होते हैं दे फॉल्स अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन इसके अंतर्गत आते हैं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज ओके okay, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है ये जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है ये जो मिनिस्ट्री है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द सी आर जी रूल्स कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे तो वही चीज अभी हमने आर्टिकल में देखा कि वहां पे इसी मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया हुआ था ठीक है सैंक्शन आपको जो है वो पूरा क्लियर कर दिया क्लियरेंस दे दिया कि हाँ ठीक है आप बिल्ड करिए तो यहाँ पर ये जो ये मिनिस्ट्री है यहाँ पर ये एक्टिव मोड में हो जाती है जब सी की बात आती है तो सी रूल्स को क्रिएट करना इन इसी मिनिस्ट्री का बेसिकली काम रहता है प्रिलिम्स परसपेक्टिव से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कौन सी किस चीज़ की मिनिस्ट्री के अंडर आती है यू न्यू टू नो दिस थिंग

ये कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो होती है उसकी सहायता से इन रूल्स को ये लोग क्या करते हैं इंप्लीमेंट करते हैं ओके okay? तो ये ही सिर्फ तीन आ, ला मतलब एक तरीके से ये छोटा सा पैसेज है जिसके अंदर भर भर के दुनिया भर की आपके लिए इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंस क्या है ये कोस्टल जोन एरियाज की दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ये जो सियाजी होती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी इंपॉर्टेंस ये है वी नीड टू प्रिजर्व दोज एरियाज प्रोटेक्ट टू दो बिकॉज वो एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती है द प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकलीसटिव एरिया लाइक दैट ऑफ द मैनग्रोव कोरल रीव्स विच एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट द सुनामी एंड दैट ऑफ द साइक्लोन मैनग्रोव्स जो हैं वो हमारे लिए एज अ शील्ड का आ, आ, काम करती हैं जैसे कि हमारे लिए हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से वो आने वाली सर्द हवाएं जो है वो रोकती है अदरवाइज यूपी बिहार में भी बर्फ पड़ रहे होते हैं right? राइट तो वैसे ही हमारे लिए मैनग्रोव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे बेसिकली शील्ड ये हमको बचाती हैं किस चीज से सुनामी और साइक्लोन से हमको बचाती हैं इनकी इस चीज को ना मैं आई विल एक्सप्लेन ये बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं इसको एक, किसी दिन जो है किसी क्लास में आई बी एक्सप्लेनिंग यू मैं आपको एक बस एक हिंट टाइप दे देती हूँ ये मैनग्रोव जो होती है इनकी जड़ें इस तरीके से निकली रहती है काफी ऊंचाई में एंड ये वॉटर रहता है राइट एंड ये इस तरीके से घने ट्रीज रहते हैं ये इस तरीके की ये घने ट्रीज रहते हैं राइट बहुत ही ज्यादा घने ट्रीज रहते हैं तो ये एक तरीके से ना बैरियर का काम करती हैं राइट right? सुनामी आया साइक्लोन आया जो भी आया तो बैरियर की तरह काम करती है ये वहीं पे मजबूती से खड़ी रहती है राइट right? तो इस वजह से क्या होता है कि जो इम्पेक्ट पड़ना होगा इसके पीछे की जो एरिया में वो बहुत ही कम हो जाता है सो दिस इज द रीजन वाई द मैनग्रोव आर वेरी इंपॉर्टेंट कोरल रीफ्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं तो इस इस पर्टिकुलर पर्पज से हमारे लिए जो सिया हैं ये कोस्टल जोन एरियाज जो होती हैं Uh, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ द कोस्टल कम्युनिटीज यानी कि जो फिशिंग कम्युनिटीज हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है रेजिलियंट मेजर्स फॉर मिटिगेटिंग इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड दैट ऑफ द हाई सेंसिटिविटी साइक्लोन्स आल्सो, जो इंपैक्ट हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी इम्पैक्ट होना पड़ रहा है हो रहा है बेसिकली उस चीज को मिटिगेट करने में उस चीज को कम करने में कंट्रोल करने में ये हेल्प करेंगी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो साइक्लोन्स का इश्यू है राइट right? तो वो भी जो ये जो चीज हमने बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताई वही चीज है यहाँ पर भी साइक्लोन से रिलेटेड इन ऑर्डर टू बैलेंस डेवलपमेंट विथ कंजर्वेशन ऑफ द कोस्टल एनवायरमेंट राइट right? सो so, हमको जो है कंजर्वेशन भी करना है ठीक है बैलेंस करनी है हमको तो कंजर्वेशन करना ही है हमको बचाओ रखाओ बच मतलब बचाना वो सारी चीजें तो करनी ही करनी है सेफ्टी तो ऑब्वियस ही बात है लेकिन उसके अलावा ऐसा भी नहीं है मतलब कि हम डेवलपमेंट होने से भी चीजों को वहां पे कंप्लीटली रोक दे लेकिन उस टाइप की डेवलपमेंट्स करें जिससे कि वो कोस्टल एरिया जो है किसी तरीके का वहां पर इम्पैक्ट ना पड़े करके ओके okay, ना पड़े करके तो यही रीजन है जिसकी वजह से ये जो कोस्टल जोन्स हैं ये जो सीआर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसके अलावा ये है कि इंडिया में सीआरजी ये दो रूल्स हैं द कोस्टल रेगुलेशन जोन गवर्न ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ओवे सी बात है जहाँ पे इंसान है वहाँ पे तो दुनिया भर का जो कबाड़ है दुनिया भर की जो दिक्कतें हैं वो ह्यूमन से ही शुरू होती है हम ही क्रिएट करते हैं उसके बाद हम ही साफ़ सफाई करते हैं हम ह्यूम्स का वही नेचर हो गया जैसे कि ये वेस्टर्न लोगों का हो गया ठीक है वेस्टर्न साइड में रहता है इनका यही रहता है कि पहले प्रॉब्लम वही क्रिएट करते हैं दिक्कतें वही क्रिएट करते हैं उसके बाद सोल्यूशन भी वही देते हैं का को कोई खास इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली पड़ता भी नहीं है तो ये जो सी रूल्स होती हैं इनका बेसिकली काम क्या रहता है कि ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है और ये ियल काम काज जो भी चीजें हो रही हैं उसके ऊपर ना ध्यान रखना एंड इस तरीके से चीजें करना कि वो बहुत ज्यादा इंटर वहां पे जाकर के इन्वॉल्वमेंट ना हो उधर जाकर के उतना काम धाम जो है धंधा एक्टिविटी वो सारी चीजें नहीं करे क्लोज टू दैट ऑफ द कोस्ट लाइन वहां पर जाकर के नहीं करे ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द प्रोजाइल इकोसिस्टम्स नियर दैट दफ दी इंडिया में जब सुनामी आया था तो उस टाइम जो है बेसिकली लोग जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे सी साइड व्यू वाला जो है हमको घर मिले एंड समुद्र से जो थोड़ा नज़दीक में रहे तो समुद्री आ, एक तरीके से मतलब अच्छा व्यू आएगा अच्छा लगेगा हमारा घर इतना लाविश है इस तरीके के एरिया में है ये सारी चीज़ें सोच करके लोगों ने सोचा जो मार्केटिंग किया उन्होंने बनाया उस तरीके की चीज़ें लोगों को वो चीज़ सेल करी लोगों ने उस चीज़ को खरीदा भी लेकिन जब ये सुनामी आया था मैं 2004 की सुनामी की बात कर रही हूँ तो उस टाइम जो है बहुत सारे लोग जो है डिस आ, अपनी जिंदगी गंवा बैठे थे बिकॉज देवर वो जो थे बीचेस पे तो ऑबियसली बात है कि उनका कोई उसमें गलती नहीं थी देवर देयर एट द रोंग टाइम एट द रोंग प्लेस खैर लेकिन जो वहाँ के आसपास के जितने भी इस टाइप के होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं दे वर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड दो वर रियली वेरी मतलब एक तरीके से गलत तरीके से उन्होंने वो सारे काम जो है वो किए हुए थे जिस तरीके से हम रिवर्स का देखते हैं रिवर्स का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है मतलब वहाँ का जो पूरा एरिया है वो हम डिस्ट्रॉय करके रखे हुए हैं कि उसके किनारे जो है होटल्स बना देते हैं कि गंगा व्यू मिलेगी वहां से आपको यमुना व्यू मिलेगी खैर यमुना व्यू तो किसी को चाहिए नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है बट स्टिल द पीपल विल बी लाइक दैट राइट तो इस टाइप के जो होटल्स बनते हैं या फिर घर बनते हैं जब किसी तरह फ्लड आ गया तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाना है किसी दिन अचानक जो है वो बहुत भयानक जैसे उत्तराखंड में हुआ था उस टाइप का को कोई सिचुएशन हो जाएगा तो ये तो सारे गिर जाने हैं ना और इस टाइप का सिचुएशन तो हर साल देखने को मिलता है बट स्टिल पीपल आर डूइंग लाइक दैट राइट तो यहाँ पे जो है ह्यूमन एक्टिविटी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है उसके ऊपर क्लोजली नजर रखनी है एंड इस तरीके से काम करना है ताकि ये जो कोस्टल सिस्टम है कोस्टल को uh, मतलब ये जो कोस्टल एरिया है उसका इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय ना हो वो खराब ना हो करके दे रेस्ट्रिक्ट सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज कुछ एक्टिविटीज है जिसके ऊपर ये कंट्रोल रखते हैं जैसे लार्ज कंस्ट्रक्शन किसी भी तरीके का बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं वहाँ पर होना है सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज नए इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप नहीं होनी ही है नहीं होनी है स्टोरेज और डिस्पोजल ऑफ हजा हजारियस मटेरियल्स हजारियस मटेरियल्स जो होते हैं खतरनाक जो मटेरियल्स होती है उस तरीके उस तरीके की किसी भी चीज़ का वहां पे ना स्टोरेज होना है ना डिस्पोजल होना है बिकॉज वो जो Uh, uh, समुद्र है उसका इकोसिस्टम कोस्ट लाइन का तो खराब करेगा ही करेगा साथ में जो उस पानी में मिल करके अंदर जाएगा तो वहां पे भी उस सारी चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय कर देगा इस वजह से माइनिंग इज नॉट अलाउड ओवर हियर एंड रिक्लेमेशन एंड बंडिंग इज नॉट अलाउड ओवर हियर विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफ द कोस्ट लाइन कोस्ट लाइन के कुछ एरिया तक जो है ये सारी एक्टिविटीज बैंड हैं यू कैन नॉट डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है पहले नोटिफिकेशन द फर्स्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द नोटिफिकेशन वॉज इशूड इन नाइनटीन नाइनटी वन बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड दैट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एम ओ एफ सी सी जो है उन्होंने 1991 में नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किए थे अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 ये ध्यान में रखिएगा ये वाला एक्ट दिस इज़ इम्पोर्टेंट ये कौन सा मैंने <laughs> स्टार जो बेसिकली यहाँ पर बना दी मैं So, यहाँ पे ये जो एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है दिस वन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट विद ए मैंडेट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व आर कोस्टलाइन एनवायरमेंट कोस्ट लाइन एनवायरमेंट सो इन्हों ने सी ने जो है नोटिफिकेशन निकाले थे नाइनटीन में सी से रिलेटेड निकाला था किसने निकाला था मिनिस्ट्री ने निकाला था एम ओ ई एफ सी सी ने निकाला था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एंड इन्होंने इस एक्ट का हवाला दिया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का कि अब जो है हम ये कोस्टल एनवायरमेंट जो है उसको कंजर्व करेंगे एंड हम उसको प्रोटेक्ट भी करने वाले हैं बाई यूजिंग दीज रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑल ऑफ यू आर सपोज टू फॉलो दीज दो हजार ग्यारह की बात है ये ठीक है तो सीआरजी ने फिर से नोटिफिकेशन निकाला था दो हजार ग्यारह में क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्टल सो कोस्टल जो की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला था तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि सी आर जी वन है यहां पे ठीक है नेक्स्ट आता है आपका राइट सी आर जी टू थ्री राइट फोर है? तो टोटल जो फोर जोन है यहां पे सीआरजी वन ये तो सीआरजी टू थ्री सीआरजी टू इज देयर थ्री इज हियर यहाँ पे इट इज़ नॉट विजिबल आई विल शेयर इमेजेस विद यू पीपल ये जो है उतना ज्यादा क्लियर नहीं है लेकिन इसकी इमेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करवा दूंगी ठीक है जो थोड़ा सा अच्छे तरीके से होगा इमेज सो सी आर जी वन सी आर जी वन क्या है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया तो वो एरिया जो कि इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव है जैसे कि मैनग्रोव कोरल रिस बायोसफियर रिजर्व ठीक है इस टाइप के जो एरियाज हैं कोस्टल एरियाज के पास वो वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज वहां पे माने जाएंगे इस तरीके के एरियाज में कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा ठीक है यानी ये नो न्यू कंस्ट्रक्शन शैल बी परमिटेड इन सीआरजे वन एक्सेप्ट एक्सेप्शंस होते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है प्रोजेक्ट्स अगर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है तो ओके okay? सो प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी तो वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन अलाउड रहेगा बिकॉज वी नीड वॉटर इन दैट केस नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस हार्बर सी लिंक एंड रोड्स विदाउट अफेक्टिंग द टाइडल फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन टी ये लो टाइडल जो एरिया है एल टी एल एंड एच टी एल इनके अंतर्गत ठीक है तो यहाँ पे क्या कह रहे है? कि construction वैसे तो अलाउड नहीं है लेकिन अगर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट है तो वो उसको अलाउ किया जाएगा और यहाँ फिर ट्रांस हार्बर सी लिंक है मतलब किसी तरीके का सी लिंक की बात हो रही है रोड्स की बात हो रही है एंड इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ये एल टी एल और एच टी एल जो है इसको किसी तरीके का जो है इंपैक्ट नहीं पड़ेगा लो टाइड लाइन हाई टाइड लाइन जो है इंपैक्टेड नहीं होगा तो फिर जो है इस तरीके की कंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे अलाउ करेंगे नाउ बिटवीन दी एल यानी लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन एरिया के बीच में विच आर नॉट इकोलॉजिकली सेंसिटिव बी परमिटेड अब वो एरिया जो कि लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच में है तो वहां वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज नहीं है तो उनके बीच में जो है कुछ कंस्ट्रक्शन किए जा सकते हैं यहां पर जो है कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है जैसे कि दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नैचुरल गैस ठीक है राइट तो नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करना उसको एक्सप्लोर किया हमने राइट एंड वहां को फिर एक्सट्रैक्ट करने का हमने स्टार्ट कर दिया तो वहां पे ये आप जो है ये जो काम है बेसिकली वो आप कर सकते हो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज कंस्ट्रक्शन ऑफ़ बेसिक जैसे कि स्कूल हो गया गए, तो इस टाइप की चीजें जरूर करे जाएंगे तो, रिजर्व के अंतर्गत अगर कोई लोग रह रहे तो उन लोगों के लिए बेसिकली हम जो है स्कूल कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं रोड्स ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे okay? लेकिन नहीं करना है उस पर्टिकुलर एरिया को यह ध्यान में रखना है इसके अलावा सॉल्ट हार्वेस्टिंग सॉल्ट बनाना सोलर ऑफ सी वाटर सी वाटर का जो सोलर इवेपोरेशन के थ्रू हम जो है रख दिए पानी कलेक्ट करके वो नीचे नमक रह गया उसको इस्तेमाल कर लीजिए मतलब इस्तेमाल तो नहीं उसको फर्दर प्योरीफाई करना होता है खैर वट बट सॉल्ट हार्वेस्टिंग जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं नेक्स्ट है डिसनेशन ऑफ प्लांट्स एंड स्टोरेज ऑफ नॉन हजार्डियस कार्गो सच एडिबल ऑयल फर्टिलाइजर्स विद इन विदिन नोटिफाइड पोर्ट्स तो वहां पर इस टाइप के एरियाज में अगर पोर्ट्स हैं तो उस तरीके के पोर्ट्स में आप कार्गोज वो कार्गोज रख सकते हैं जो हजारियस नहीं हो जो खतरनाक ना हो जैसे कि एडिबल ऑयल हो गया फर्टिलाइजर्स हो गए तो आप उन चीजों को रख सकते हो तो ये सीआर वन का हमने आपको बता दिया ठीक है सीआरजी वन का मैं आपको बता दी यहाँ पे कि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज यहाँ पर होंगे जहां पर कि मैनग्रोव रहेगा कोरल रीफ्स रहेंगे बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व रहेंगे यहाँ पर हालांकि किसी भी तरीके को कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ यहाँ पर आपको एक्सेप्शन दिए हुए हैं हाई टाइड लाइन लो टाइड लाइन के बीच में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ना हो तो आप इस तरीके की जो काम है वो बेसिकली कर सकते हैं ओके चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज दी आर जी टू ठीक है सीआरजी okay? टू एरिया विच आर डेवलप्ड अपू द शोर लाइन एंड इंक्लूड बिल्डअप एरिया विलेजेस एंड टाउन आर दैट आर ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश सी आर दी वो एरिया है जो की बेसिकली डेवलप्ड है दीज आर द डेवलप्ड अप टू दैट ऑफ द शोर लाइन शोर लाइन तक इसको डेवलप सीआरजी शोर लाइन तक का एरिया है जो कि म्यूनिसिपालिटी के अंतर्गत आता है एंड यहां पर बिल्डअप एरियाज है मतलब चीजें बिल्डअप हो रखी हैं जैसे कि गांव है यहाँ पे टाउन है यहाँ पर सो वेल एस्टेब्लिश्ड एरिया है बेसिकली सो दैट इज दी आर जी टू ओके तो यहाँ पे क्या है डेवलप्ड एरिया है ऑलरेडी राइट सो दिस इज इज दैट ऑफ द सी आर जी टू राइट वो क्या है सीआरजी टू है बिल्डिंग्स यहाँ पर आप बना सकते हैं ठीक है लेकिन हजारियस लाइन जो है नहीं होना चाहिए बेसिकली अदर एक्टिविटीज जैसे कि डिसिनेशन ऑफ प्लान आर ऑल्सो परमिसेबल एंड सम कंस्ट्रक्शन इज परमिटेड ओनली एज पर द गाइडलाइन स्पेसिफाइड बाई दैट ऑफ द नोटिफिकेशन और कुछ तरीके के कंस्ट्रक्शन जो है वो भी अलाउड है इसमें राइट right? बट ओविय बात है कि वो जो नोटिफिकेशन निकाले होंगे उसको सेटिस्फाई करते होना चाहिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो है वो बेसिकली आपने uh, uh, मतलब कंस्ट्रक्ट कर लिया अपनी मर्जी से राइट सो दैट इज नॉट सपोज टू बी नॉट सपोज टू हैपन नेक्स्ट इज दी आर जी थ्री एरियाज दैट आर रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड ओके वो एरिया जो कि डिस्टर्ब्ड नहीं है अनडिस्टर्ब है एंड डो नॉट फॉल अंडर इधर इन द कैटेगरी वन और दैट ऑफ द कैटेगरी टू यानी अभी तक हमने जो सी आर जी वन और सी आर जी टू पढ़ा है इन दोनों के अंतर्गत नहीं आता है वो डिस्टर्ब्ड एरिया भी नहीं है एंड इट ऑल्सो द रूरल एंड अर्बन एरिया डेवलप्ड ऑल्सो वो एरिया और अर्बन एरिया जो कि सब्सटैंशियली डेवलप्ड भी नहीं है एंड वो ये फर्स्ट और सेकेंड वाले एरिया के अंतर्गत भी नहीं आती है रिलेटिवली सी आर जी थ्री के अंतर्गत आ गई बिटवीन जीरो टू टू हंड्रेड मीटर्स फ्रॉम एच टी एल हाई टाइड लाइन इज अ नो डेवलपमेंट जोन जहां पर किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है ओके okay? यहाँ पे किसी भी तरीके का जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया में अलाउड नहीं होता है जीरो टू हंड्रेड मीटर्स फ्रॉम दैट ऑफ दी हाई टाइड लाइन ओके नेक्स्ट इज दैट ओनली सर्टेन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर कुछ ही एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया फॉरेस्ट्री हो गया प्रोजेक्ट जो कि एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी उनसे रिलेटेड किस तरह कोई प्रोजेक्ट हो गए या फिर रेयर मिनरल्स के माइनिंग की बात हो गई सॉल्ट मैन्युफैक्चर की बात हो गई रीगैसिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या एंड सर्टन पब्लिक फैसिलिटीज मे बी परमिटेड इन दिस पर्टिकुलर जोन ओके ये इंपॉर्टेंट हो गया इसमें ये सारे काम जो हैं वो बेसिकली किए जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट 200 से 500 मीटर ऑफ द एच टी एल के 200 से 500 मीटर uh, के बीच में इसमें क्या होगा हाई टाइड लाइन से ठीक है 200 से सौ मीटर की एरिया well, uh, में बता रहा है इन दिस पर्टिकुलर जोन ये मतलब ये वाला जो काम था ठीक है

लाइन से जो है लिमिट जोन तक है ठीक है लिमिट जोन तक ये वाला पर्टिकुलर एरिया ठीक है ये जो कोस्टल मतलब ये यहाँ से लेकर के जहां तक आपका इंटरनेशनल लाइन है जहां तक की आपका टेरिटरी आता है यानी कि उस पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटरी आती है यहाँ पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया की टेरिटरी आती है तो वो जो है वो बेसिकली सी फोर है ठीक है तो सी आर जी वन यहाँ पर आपका हो गया ठीक है सी आर जी वन सी आर जी टू CRZ 3, ये राइट right? तो यहां पे जो है विजिबल नहीं है चीजें आई एम स्टिल इसका जो है वो बेसिकली शेयर कर दूंगी सो डोंट वरी अबाउट इट राइट तो यहां पे हमारा जो है सीआरजी फोर वो बेसिकली आ गया राइट right? So, यहां पे क्या है लो टाइड लाइन से टेरिटोरियल लिमिट जो है ये लो टाइड लाइन है यहां से लेकर के जिस भी कंट्री का जो भी उसका uh, 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 मतलब टेरिटोरियल लाइन है वहां तक का एरिया सीआरजी फोर के अंतर्गत आता है राइट नाउ देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेडिशनल फिशिंग जो भी ट्रेडिशनली वहां पे फिशिंग करते हैं जो लोकल कम्युनिटीज करती है तो उनके ऊपर किस तरह कोई भी आ, वो नहीं है आ, म, मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जाकर के वहां पे फिशिंग नहीं कर सकते हम नो अनट्रीटेड सीवेज और सॉलिड वेस्ट शैल बी लेफ्ट और डम्ड इन किसी भी तरीके की जो सीवेज है जो गंदगी है या फिर जो सॉलिड वेस्ट है उसको वहां पे आप नहीं फेंक सकते हो फिशिंग कर सकते हो लेकिन इस तरह की गंदगी वहां पे फैलाना जो है वो अलाउड नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट एक सेपरेट ड्राफ्ट आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन जो है इसको इशू किया गया था and this was done for the protection of islands of Andaman and Nicobar and Lakshadweep under the Environment Protection Act of 1986 ye separately island protection zone hai theek hai to ye islands hai jo हमारे Andaman and Nicobar और Lakshadweep islands हैं इसको protect करने के लिए Environment Protection आ, Act के अंतर्गत जो है इसको लागू किया गया था ठीक है तो यहाँ पे हमारा ये वाला topic cover हो गया next आता है द अप्रोर ओवर द न्यू सी ओ पी ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्रेसिडेंट ये जो सी ओ पी ट्वेंटी एट का जो प्रेसिडेंट बने हैं उसको लेकर के काफ़ी ज्यादा जो है बेसिकली गुस्सा एंड ऑल बहुत सारा जो है इश्यू बेसिकली यहाँ पर डिस बोल रहा है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमको <laughs> प्रॉब्लम को छोड़ो गोली मारो हमको बेसिकली ये सारी चीज़ों से तो कोई मतलब ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है भाई ठीक है हमको क्या ही ची करना है हमको ये प्रॉब्लम इस टाइप की चीजें जो है वो बेसिकली नहीं पूछेगा हमको करना क्या है हमको जानना है कि ये सीओ क्या है जो पहली बार देखेंगे तो दे विल बी लाइक सीओपी एट ये क्या है राइट right? तो सीओपी क्या है हमको वो जानना है सो वी आर वे मच मोर इंटरेस्टेड इन दैट ठीक है हम इस चीज में जो वो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं सीओपी क्या है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको कहते हैं वही सीओपी है ट्वेंटी एट है तो ट्वेंटी एट मीटिंग है बेसिकली ठीक है इनका तो वो चीज का जो है बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस यूएनएफसीसीसी यूएनएफ ट्रिपल सी यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो उसी से रिलेटेड है यहाँ पे कैसे रिलेटेड है चलो देखते हैं 1992 1992 में जो है, इसको किया गया था. कौन सी ट्रीटी के अंतर्गत पेरिस अग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसके अंतर्गत जो है ये चीज बेसिकली आती है ये ट्रीटी एंटर्ड इनटू फोर्स कब से जो है ये लागू है नाइनटीन से है कितनी कंट्रीज ने इसको साइन किया हुआ है रेटिफाई किया हुआ है तो 197 कंट्रीज ने यू एन एफ ट्रिपल सी सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड ओवर देयर इन दी बॉन्न विच इज देयर इन जर्मनी ऑब्जेक्टिव क्या है Sorry for this. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सो so, इसका ऑब्जेक्टिव है stabilize greenhouse gas concentrations to prevent the dangerous repercussions. तो पे कह रहे है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस इतना ज्यादा रिलीज हो रहे हैं राइट तो उसको किसी तरीके से स्टेबलाइज करना है कम करना है हमें ताकि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है इसका क्या काम है क्लाइमेट चेंज ठीक है इस चीज को रोकने का काम है तो वो चीज ना हो जो डेंजरस हो सकते हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज होने की वजह से जो रेपोकॉशन हो सकते हैं जो दिक्कतें हो सकती हैं बेसिकली उस चीज को रोकने का काम करना है कि ये हो ही नहीं ग्रीन हाउस गैसेस का जो इतना ज्यादा रिलीज हो रहा है वो हो ही नहीं अलाउ इकोसिस्टम्स टू अडेप्टचुरली एंड एनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है तो नेचुरली चीजों को सेटल डाउन होने के लिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये जो है ये पिच करता है सीओपी क्या है ये एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ट्रिपल सी की ही अथॉरिटी है इनकी एनुअल मीटिंग्स होती है 1995 से 1995 से ही इनकी मीटिंग जो है वो एनुअली कंडक्ट कराई जा रही है इसके अलावा सीओपी जो प्रेसिडेंट बनता है सीओपी का जो प्रेसिडेंट बनता है वो रोटेशनल बेसिस पे होती है ठीक है तो यहां पर क्या है अमंग द फाइव यूनाइटेड नेशन रीजनल ग्रुप्स तो रीजनल ग्रुप्स जो है रीजनली डिवाइडेड है ग्रुप्स तो पांच हैं ग्रुप्स एंड उसी में जो है वो प्रेसिडेंट्स रोटेशनल बेसिस पे जो है बनाते हैं द प्रेसिडेंट इज यूजुअली द एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ देयर होम कंट्री जो भी कंट्री का बनना है वहां का जो आ, जो ये एनवायरमेंट मिनिस्टर होता है वही जनरली क्या बनता है प्रेसिडेंट बनता है अब जब इंडिया की बात करते हैं सीओपी को लेकर के तो इंडिया ने हर तरीके की जो सीओपी की मीटिंग है उसको कंडक्ट कराया हुआ है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बायोडायवर्सिटी और लैंड से रिलेटेड जो भी थे उन सभी को जो है यहाँ पे कंडक्ट कराया हुआ है ठीक है तो यहां पर मैंने आपको शॉर्ट में बेसिकली समझा दिया कि ये जो है सीओपी बेसिकली है क्या सो नाउ यू हैव गॉड एन आइडिया सीआरजी काफी ज्यादा डिटेल में हो गई थी सारी चीजें तो इस वजह से जो है मैंने यहां पर सीओपी को थोड़ा कट शॉर्ट कर दिया ये अगेन दिस विल बी इन न्यूज सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन वेरी डिटेल मैनर ओवर देयर नेक्स्ट हमारा न्यूज आता है ईडी कैन नॉट सीक एनी बडीज इंटेरोगेशन इन कस्टडी ठीक है ये न्यूज है ठीक है हमने जान लिया राइट right? हमारा क्या फोकस होना चाहिए ईडी के ऊपर राइट ईडी के ऊपर फोकस हो गया ईडी क्या है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है ये क्या है इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं फॉरेन एक्सचेंज लॉ का अगर किसी तरीके का कोई वायलेशन होता है तो वहां पर एकदम एक्टिवेट मोड में आ जाएंगे ओके okay, चलो अब हमारा काम जो है वो स्टार्ट हो गया इस पर्सन को पकड़ना है है ठीक नाउ द फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर आता है ठीक है ये ईडी जो है किसके अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है एंड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है राइट तो इसके अंतर्गत ये आते हैं पैसे से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस बात है मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस इसमें इन्वॉल्व हो गए वेरी ऑब्वियस नथिंग टू बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है ना द स्ट्रक्चर एंड रिक्रूटमेंट इसका स्ट्रक्चर कैसा है फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है हेड जो है हेडेड बाय द डायरेक्टरेट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इसका जो डायरेक्टर है वो इसका हेड है ऑब्वियसली बात है मतलब बेसिकली इसका पोस्ट का रहे हैं कौन होते हैं तो वो डायरेक्टर बोलते हैं इसके कुछ रीजनल ऑफिसेस भी हैं एंड ये रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ होती हैं मुंबई चेन्नई चंडीगढ़ कोलकाता और दिल्ली में है जिसको कि स्पेशल डायरेक्टर्स जो होते हैं वो हेड कर रहे होते हैं राइट ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट की जो बात होती है डायरेक्टली रिक्रूट भी होते हैं और फ्रॉम द अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या डायरेक्टली रिक्रूटमेंट हो गए ठीक है या फिर जो दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वहां से जो है इनको ले लिया जाता है जैसे कि आईआरएस आईपीएस आईएएस यहां से जो है इनको उठा लिया जाएगा ठीक है फंक्शंस और एक्ट्स की बात करते हैं कॉफी पोसा <laughs> राइट सो एम्पावर टू स्पॉन्सर केसेस फॉर ऑफ 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 डिटेंशन अंडर दी पोसा ये मेरा बोलने का तरीका है ठीक है कॉफी पोसा बोल करके याद हो जाती है ये चीज़ें इसलिए कॉफी पोसा एक्ट इसके अंतर्गत जो है इनको बेसिकली ये रहता है एम्पावर्ड है इनको ये पावर दिया हुआ है कि ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत जो है किसी को रख सकते हैं ठीक है नाउ फेमा क्या है इन्वेस्टिगेट ऑफ कॉन्ट्रोवेंशन एक्सचेंज लॉज एंड फेमा जो है वो पेनालोज कर सकती है एंड इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करेगी एक्सचेंज से रिलेटेड क्या है ये है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ओके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट राइट इट एक्सिक्यूट प्रोविजन ऑफ पी एम एल ए पी एम एल ए के अंतर्गत अगर किसी तरह कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है उसके अंतर्गत तो वहां पर भी जो, ये जो है वो बेसिकली काम करते हैं

Uh, पैसा सपोज लोन ले लिया उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट उसके बाद जो है ये गायब हो गए दूसरे कंट्री चले गए तो उसमें तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीजें हैं क्या ये सारे जो है ये एक्ट है ठीक है इन सारे एक्ट को जो है ये इम्प्लीमेंट करता है किसी तरह ये कोई गलती करी इसमें से किसी भी चीज को लेकर के तो दे विल वन विल चार्ज, uh, I mean, uh, चार्जेस जो है वो करेंगे एंड दे विल बी Uh, क्या कहते हैं टेकिंग एक्शन ओके ना इशू रिलेटेड टू द ईडी एडी से रिलेटेड क्या रहता है इशू ये है सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि ये पावर का मिस यूज करते हैं ठीक है मेन्स के परस्पेक्टिव से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज देयर नेक्स्ट इज कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत ज्यादा कम है पॉलिटिकल बायसनेस की भी बात होती है कि जो गवर्नमेंट रहता है वही गवर्नमेंट कहते हैं कि ये अपने फेवर में सारी चीजों को जो है वो कर रहे हैं काम को कर रहे हैं ओके सो दिस इज द रीजन ये सारी जो है वो इश्यूज है राइट right? तो यहाँ पे जो है ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है नेक्स्ट आता है हमारे लिए मणिपुर इन्वोक्स आरबीआई राइट प्रोविजन टू एड द बोरोवर्स बोरोवर्स को राहत देने के लिए मणिपुर ने जो है मणिपुर गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन आर बी आई की होती है उसको इन्वोक कर दिया है एंड ये प्रोविजन आपको जानना जरूरी है वो क्या है Uh, जो कि बहुत ही रेयर केस में बेसिकली होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीफ मेजर्स बाय बैंक्स इन एरियाज अफेक्टेड बाय नेचुरल कलामिटीज डायरेक्शन 2018। इसको जो है बेसिकली इन्होंने क्या कर दिया है एक्टिवेट कर दिया है बेसिकली ये चीज जो है यहाँ पर बताना है नेक्स्ट इज दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट मे अलाउ सेंटर टू टेक कंट्रोल ऑफ अम्बेडकर लंडन हाउस तो लंडन में जो है uh, बी आर अम्बेडकर जी का जो घर है उसका कंट्रोल बेसिकली देने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसमें मे है तो एक तरीके से राज़ी हो सकती है इन ऑर्डर टू गिव द चार्ज टू द गवर्नमेंट जो सेंट्रल uh, गवर्नमेंट है उनको चार्ज देने के लिए सो so, इसको बेसिकली म्यूज़ियम के तौर पे जो है इसको रख दिया गया है ताकि uh, म्यूज़ियम के तौर पे इसको चेंज कर दिया गया ताकि जो लोग हैं वो इंस्पायर हो सकें ठीक है कि जो बी आर अंबेडकर है वो यहां रहते थे तो पीपल वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड एंड ऑल नेक्स्ट आता है सबमरीन से रिलेटेड ठीक है एमिट सर्च फॉर टाइटन लेसन फॉर प्रपोज्ड इंडियन सबमर्सिबल डाइव तो यहाँ पे जो है ठीक है ये जो सारी चीजें हो रही हैं इशू है गायब हो गया है ऑल ऑफ़ सडन एंड ऑल बहुत सारी चीजें हैं ये टाइटन के सर्च को लेकर के राइट यहाँ पे हमको क्या जानना है कि समर सिबल क्या होता है राइट ये समर सिबल क्या होते हैं और ये सबमरीन क्या होती है हमको वो चीज जाननी है राइट सो तो समर सिबिल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैं पहले आपको ना इसकी इमेज दिखा देती हूँ ये जो है सबमरीन कैसे होती है ये सबमरी है ठीक है ये सबमरीन है कितना सुंदर कितना ग्रैंड है ना राइट right? है ना कितना पिक्चर विद इट नेक्स्ट आता है ये है समर सिबल ठीक है इससे पहले क्या था ये सबमरीन है दिस इज सबमरीन एंड दिस इज द समर्सिबल राइट सो इंटरेस्टिंग है ये नाउ नाव लेट्स इसके कुछ पावर्स हम बेसिकली देखते हैं कि ये है क्या समर सिबल क्या होते हैं समर सिबल छोटे होते हैं लिमिटेड इनकी रेंज रहती है कि वो लिमिटेड एरिया तक ही जा सकते हैं डिज़ाइन फॉर द स्पेसिफिक मिशन कुछ स्पेसिफिक मिशन के लिए बेसिकली उनको डिज़ाइन किया गया रहता है दे आर बिल्ड विद द फीचर्स दैट अलाउ देम टू ऑपरेट इन अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट उनको स्पेसिफिक एनवायरमेंट में ऑपरेट करने के तौर पे जो है ये बनाए रहते हैं एंड दीज वेसल्स कैन बी फुल्ली सबमर्स्ट ओके okay, तो ये पानी में जो है ये फुल्ली सम्मर्श हो सकते हैं एंड हैव देयर ओन पावर सप्लाई एंड एयर रिन्यूअल सिस्टम आल्सो सो दिस इज रियली वेरी गुड पूरा जो वो पानी में जा सकते हैं हालांकि वो लिमिटेड एरिया तक ही जा सकते हैं पूरा सम्मर्श भी हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी खुद की पावर सप्लाई भी होती है एंड ऑक्सीजन रिन्यूअल जो एयर रिन्यूअल का जो सप्लाई है वो भी सिस्टम जो है वो भी वहाँ पर रहता है समर सेबल्स आर रिमोटली ऑपरेटेड एंड फंक्शन एज अनमैंड रोबोट्स रिमोटली भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो ठीक है लाइक अ रोबोट ओनली ह्यूमन ऑक्यूपाइड वेहीकल्स सच एज द मिसिंग टाइटन जिसको लेकर के बहुत ज्यादा हाइप हो चुका है गायब हो गया है ऑल ऑफ अडन आर अ टाइप ऑफ द समर सेबल ओनली वो क्या है वो भी समर्सिबल है तो अब यहाँ पे जो डिफरेंसेस है सबमरीन और समर्सिबल के बीच में तो जो सबमरीन होता है वो उसके पास इतनी पावर होती है कि वो जा सके अच्छी खासे दूरी पर और फिर वहां से जो है वो वापस भी आ सके पोर्ट पर अपना पावर यूज करके दूसरा चीज है ये जो समबल होता है इसके पास लिमिटेड पावर रिजर्व होती है ये तो छोटी भी होती है लिमिटेड पावर रिजर्व भी होते हैं एंड दे रिक्वायर अ मदर शिप फॉर लॉन्चिंग एंड रिकवरी ऑल्सो इसको लॉन्च करने के लिए एक शिप चाहिए होता है एंड उसके बाद जो है इसको वापस लाने के लिए भी एक शिप चाहिए होता है ओके नेक्स्ट इज दैट इट इज कंपेरेबल टू अ बोट टेकिंग स्कूबा डाइवर्स आउट टू सी वेर दे जम्प इंग टू द वॉटर एंड देन रिटर्न ऑन बोर्ड लेटर लेटर तो ये जो है जैसे कि शिप की बहुत ही सुंदर सी एग्जांपल दिया हुआ है कि शिप पे जैसे कि स्कूबा ड्राइवर्स को लेकर के जाते हैं ये पानी में जाते हैं उसके बाद जो है फिर ये वापस शिप पे आ जाते हैं फिर शिप जो इनको पोर्ट पे लेके आती है तो ये जो समर होती है तो वो भी बेसिकली यही काम करती है तो एक शिप है मदर शिप है वहां से ये जो है लॉन्च हुई फिर तो उसके बाद जो उनको वापस आने में भी हेल्प करेंगी एंड देन लेकर के जाने में भी हेल्प करती हैं समर सिबल्स हैव देयर हैव व्यू पोर्ट्स एंड एक्सटर्नल कैमराज टू ऑब्जर्व सराउंडिंग स्पेस सो दैट दे कैन ऑब्जर्व द थिंग्स इज डूइंग दैट एंड दे कैन लर्न थिंग्स दे ऑल्सो हैव अ लिमिटेड पावर रिजर्व कंपेयर टू दैट ऑफ द सबमरी आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दफ्ट ऑफ दबमरी बहुत बड़ी होती है कम्पेरेटिवली बहुत बड़ी होती है नेक्स्ट okay? आता है जी ट्वेंटी एजुकेशन मिनिस्टर्स अग्री ऑन इक्विटेबल यूज ऑफ दखिए ए आई जो है आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया यू के नॉट इग्नोर दिस दिस इज द ट्रुथ यू के नॉट इग्नोर दैट इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव यूज ऑफ दी ए आई इन दी एजुकेशन सो द एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं जी ट्वेंटी कंट्रीज़ के उनकी एक मीटिंग हुई पुणे में एंड दे अग्रीड टू प्रमोट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है एजुकेशन में और स्किलिंग करने के लिए स्किल प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर जो है ये लोग अग्री कर गए एंड दिस अप्रोच एम्फोसाइज इज द इम्पोटेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट इन द एप्लीकेशन ऑफ दैट ऑफ द ए आई टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ठीक है टेक्नोलॉजीज है इसको इम्प्लीमेंट करिए लेकिन उसके साथ साथ जो है ह्यूमन राइट्स है उसका भी ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है सो बेसिकली यहाँ पर उस चीज के लिए बात हुई है ये पर्टिकुलर मीटिंग में ओके okay. एजुकेशन जो है ठीक है एजुकेशन क्या है इट इज एन एनेबलर ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑफ देंट दैट इज वेरी ऑब्वियस तभी तो कहते हैं पढ़ाओ और बढ़ाओ ठीक है आप क्या कर सकते हैं कि आप जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो फर्दर आगे बढ़ते हैं राइट तो एक तरह एजुकेशन एक तरीके का हथियार है किसी के लिए भी कि जिसको इस्तेमाल करके वो अपनी एक डिग्निटी जो है वो मेंटेन करता है और अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश करता है राइट तो वो चीज़ है जितने भी जी ट्वेंटी मेम्बर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि ठीक है एजुकेशन जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों को लेकर के राइट ये सारी चीजें तो बेसिकली इसमें कहा गया है तो ऑल इन ऑल इसमें सारा जो इंफॉर्मेशन है दैट इज रिलेटेड टू द एआई कि एआई को हमको किस तरीके से जो है एजुकेशन में लेकर के आना है सो so दैट हमारा एजुकेशन और एआई की जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा बूम कर रही है तो उसको हम किस तरीके से इंटीग्रेट करें हम उसको किस तरीके से यूज करें एजुकेशन में ताकि जो एक कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो रही है ना कि लोग कह रहे हैं कि ए कि आने की वजह से हमारा काम छूट जाएगा हम जो ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे तो उसको इंटीग्रेट करने की बेसिकली यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं द एम इज़ टू एंश्योर दैट क्वालिटी इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर एक्सेसिबल टू ऑल इंडिविजुअल्स सारे ही लोगों को ट्रेनिंग मिले एजुकेशन मिले इंक्लूसिव और एक्वा, क्वालिटी के साथ ये सारी चीजें मिले रिगार्डलेस ऑफ देर एज जेंडर सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड और लर्निंग डिफिकल्टीज ऑल्सो तो सबको एक तरीके से है बेसिकली क्या मिले नॉलेज मिले बेसिकली यही कहने का जो है यहाँ पर सेंस बेसिकली बन रहा है राइट right? सो so, ये सारा सिस्टम जो है यहाँ पे है नेक्स्ट आता है अपना लो डाउन और सब स्टैंडर्ड कफ सिरप सो कफ सिरप को लेकर के कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो है थोड़ी डिटेलिंग में है तो डब्ल्यू एच ओ ने रिपोर्ट किया है कि 300 से ज्यादा बच्चे जो है तीन कंट्रीज में बन मर चुके हैं उनकी डेथ हो चुकी है अगस्त 2020 से लेकर के इंडिया में जो ये कप सीरप सब स्टैंडर्ड कप सिरप बने हैं उसकी वजह से हो चुकी है रिस्क एसोशिएटेड विद द सिरप कप सिरप से रिलेटेड रिस्क क्या हो रहा है यहाँ पर तो बेसिकली ये है दो तरीके के रिस्क है यहाँ पर एक तो है कंटेंट रिलेटेड कंटेंट कंटेंट सॉरी ठीक है रिलेटेड प्रॉब्लम्स और दूसरा है सॉरीटेडिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल कॉम्पोनेट कोई भी कॉम्पोनेंट्स को मिलाकर के इसीलिए कहते हैं मैं कभी कभी पता है ये चीजें मैं लोगों को बोलती हूँ तो लोग समझते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा डॉक्टर नहीं बन रही लेकिन बात समझिए हर तरीके की दवाई हर तरीके की मेडिसिन के साथ नहीं जाती है ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कुछ कॉम्बिनेशन होता है यू कैन नॉट मिक्स एंड मैच ऑल द काइंड ऑफ मेडिसन्स राइट तो अगर कोई स्पेसिफिक दवाई मेंशन करी जा रही है तो हैव इट. उसके वही कॉम्पोजिशन के साथ अगर कोई है तो समझ में आता है लेकिन उसी किसी पर्टिकुलर चीज़, चीज़ को ट्रीट करने के लिए आप कोई और दवाई ले रहे हो और डॉक्टर ने कोई और चार पांच दवाई दी उसमें से आप किसी एक और दवाई एक दवाई जो है मेडिसिन जो है आप डिफरेंट ले लिए ओके okay? तो हो सकता है कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ जाए आपके ऊपर तो वही यहाँ पे भी कह रहा है यहाँ पे तो बेसिकली जो कप सिरप की मिलावट की बात कर रहा है यहाँ पर कि जो कॉम्बिनेशन है वो अनसाइंटिफिक है ठीक है तो ये दो इश्यूज हैं बेसिकली इससे एसोसिएटेड हाई लेवल्स ऑफ डाईलिन ग्लाइकोल एंड इथलिन ग्लाइकोल जो है ये कप सिरप में बेसिकली मिले हैं जो कि डैमेज कर सकते हैं किडनीज को के साथ आ रही है हम पावर आ, हम पावर अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये सारी चीजें जो है वो निकल के सामने आ रही है रेगुलेशन इंडिया की ड्रग्स कंट्रोलर जनरल जो है हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू टेस्ट कफ सिरप्स इन स्पेसिफाइड लैब्स बिफोर दे आर एक्सपोर्टेड एक्सपोर्ट करने से पहले जो है उसको स्पेसिफिक स्पेसिफाइड लैब्स जो है वहां पर चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ने फोर्टीन फिक्सड ड्रग कॉम्बिनेशन जो है उसको कंप्लीटली बैन करके रखा है इन देयर इन ऑर्डर टू ट्रीट द कॉमन इन्फेक्शन कफ एंड फीवर ड्यू टू लैकिंग थेरापूटिकल थेराप्यूटिक रेलिवेंस एंड द पोटेंशियल रिस्क तो इस इस चीज की वजह से चौदह ड्रग्स जो हैं उनको ड्रग्स की जब यहाँ पे बात हो रही है तो मेडिसिन की बात हो रही है ठीक है तो उस चीज को इन्होंने क्या किया है बेसिकली बैन कर दिया है ओके okay? बैन कर दिया है सो ऑल दीज थिंग्स आर बी आर बी डन कॉशन अगेंस्ट सेल्फ मेडिकेशन एंड ओवर द काउंटर सिरप्स ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि अपनी ही मर्जी से जाकर के जो है कोई दवाई ले देना इज नॉट गुड यू आर सपोज टू सीक द डॉक्टर सेल्फ मेडिकेशन एंड स्पेशली जब बच्चों की बात आती है इस चीज को लेकर के आप तो बिल्कुल अपनी मर्जी से जाकर के दवाई मत लिया करो यहाँ पे जो पीडियाट्रिक्स होते हैं पीडियाट्रिशियंस होते हैं उनसे जाकर के आप कंसल्ट कर लिए करिए एंड देन अकॉर्डिंगली जो है आप क्या करिए जो भी कफ सिरप उन्होंने रेकमेंड किया है तभी लीजिए ऐसे ही कोई जाकर के मत ले लीजिए इंडिया में यही सबसे बड़ी दिक्कत है जो मैंने आपको कल या परसों भी शायद यही बात बोली थी कि अपनी मर्जी से लेकर के जो दवाई लेकर के आ जाते हैं ना फार्मेसी में इतने आराम से अवेलेबल होता है तो वो चीज जो है वो बेसिकली नहीं होना चाहिए राइट तो ये सारी चीजें हैं कफ जो है ये बेसिकली एक सिम्टम है इट्स तो नॉट अ वेरी ह्यूज काइंड ऑफ डिजीज अभी मेरे को भी हो रखा है राइट तो इसलिए वजह से मैं बीच बीच में थोड़ा सा जो है वो थोड़ा पॉज कर ले रही हूँ फॉर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड ऑल बट यहाँ पर यही चीज़ है कि इस चीज़ को लेकर के उतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है हम इंडियंस को तो बहुत सारे आयुर्वेदिक टाइप की चीज़ें भी पता है तो वी कैन डू दैट ऑल्सो राइट एंड ओबियसली गवर्नमेंट को इस चीज़ को थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि दूसरे अपने ही देश में नहीं दूसरे देश में भी बेचारे बच्चे और जो लोग हैं उनकी डेथ हो रही है सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग एंड हमको जो थोड़ा सीरियस होकर के इस चीज को डील करने की जरूरत है राइट right? चलो सो आई होप दैट आप सभी को जो है आज की न्यूज एनालिसिस अच्छी लगी होगी <laughs> इतना लंबा मैं बोलती हूँ कमऑन का कीप सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज़ अनालिस एंड लेट्स मीट इन द एम सी क्यूज़ क्लासेज मिलते हैं वहाँ पर एम सी क्यूज एम सी क्यू सॉल्व करिएगा एम सी क्यूज सिर्फ इसी से नहीं है बाहर से भी है ठीक है चलो सो सही इन द नेक्स्ट क्लास ब बाय टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम